Students, welcome to Maxwell Study Hub. So we have started in last video we have started about the cell biology. Today we are going to start about the biotechnology. So what do you understand? What do you mean by biotechnology? Now, biotechnology, it's a branch of science. It's a branch of science in which there is a we use cellular components, or I can say any biological process or organism, मतलब उनका manipulation होगा या I can say उनको study करके उन पर काम होगा, research होगी, so that एक new technology बनेगी और वो new technology basically use होगी human welfare के लिए. हम बहुत सारी disease आजकल जो है, आज जो हम जिस कंडीशन में हैं, हम उसको जो इसमें जो रिसर्च है उसमें जो क्योर और जो बोलते हैं ना डायग्नोसिस हम कर पा रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन गिवन बाय बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेलुलर और सेलुलर कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म, इनको मैनिपुलेट करना है, इनको हाइब्रिडाइजेशन करवा के, इनके बारे में स्टडी करके जो नई टेक्नोलॉजी एक बनेगी उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी. और इस बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू बायोटेक्नोलॉजी का अगर मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, सो येस वी हैव यूटिलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी इन क्रॉप्स, एग्रीकल्चर में यूज़ किया, फार्मेसी में यूज़ किया, एनिमल्स में यूज़ किया, मतलब एक बहुत ही वास्ट इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है. सो विच वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग स्लाइड्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट आर द ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ब्रांचेस हैं इसकी साइटोलॉजी, जो मैंने बोला सेल बायोलॉजी है, मतलब सेल के बारे में पढ़ना. बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब कि कैसा प्रोसेस हो रहा है. फॉर एग्जांपल, यू हैव कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, तो आपके बॉडी में उसको कैसे मेटाबॉलिज्म उसका हो रहा है, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब बायो से, मतलब बायोलॉजिकल जो मटेरियल है उसके बारे में, जो उसकी जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके बारे, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री. देन मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी में आप जीन लेवल पे बात करते हो. एंड एट द एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जीन के लिए, जीन के ऊपर रिसर्च करके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ नाउ यू ऑल्सो नो कि कोई भी सेल का जो भी इसको कौन सा काम करना है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कि उस सेल के पास कौन सी जीन है. उसको गाइड कौन करता है किसी सेल को कि तुमको ये काम करना है, बिकॉज ऑफ दी जीन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड इन दी न्यूक्लियस रीजन. तो वो न्यूक्लियस पार्ट में क्या है, जीन है. तो अगर इस जीन में कोई भी डिफेक्ट हुआ तो प्रोडक्ट भी, मतलब सेल का जो प्रोडक्ट है वो भी गलत या डिफेक्ट में ही आएगा. तो इन ऑर्डर टू करेक्ट दैट जीन ओनली, जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत रोल है. जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्रीकल्चर में भी बहुत रोल है. ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांच हैं जो हम आगे चल के अभी आगे के वीडियो में देखेंगे. सो दिस इज़ अबाउट बायोटेक्नोलॉजी. अभी ये प्लांट और ये सब ब्रांच अगर आप देख रहे हो तो आपको एक और चीज़ याद आई होगी जो लास्ट ईयर आपने सीखी थी, प्लांट टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में आपने सब देखा था कि एक, और फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक टिश्यू का एक एक्टिव ग्रोइंग पार्ट का एक टिश्यू लेकर कैसे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया था. नाउ व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फॉर मिल्क एंड अल्कोहल. सो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. उसमें हमने योगर्ट प्रोडक्शन देखा, हमने देखा अल्कोहल देखा, विनेगर प्रोडक्शन देखा, ये सारा. इवन दो हम माइक्रोबायोलॉजी देख रहे थे उस चैप्टर में, बट इट इज़ ऑल बिकॉज कौन सी टेक्निक यूज़ की गई, बायोटेक्नोलॉजी. नाउ यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल. अभी किसी सेल की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सके, वो वैक्सीन्स बना सके,
विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके वैक्सीन भी और एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी हो रहा है. यूज ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर. जाहिर सी बात है, जो भी मैंने जीन का एग्जांपल दिया, सेल को कोड कौन कर रहा है? जीन. जो सेल को क्या करना है, गाइड कौन कर रहा है? जीन. तो डीएनए और प्रोटीन लेवल पे आप बायोटेक्नोलॉजी, मतलब पहले कैसा था कि जो सारा ये बोलते हैं ना डायग्नोसिस होता था, वो ऐसा था ट्रेडिशनली, मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि सिम्टम्स दिखे तो अरे ओके तुम यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. बट नाउ विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप उसके जीन लेवल तक जा सकते हो कि अगर कोई सीवियर डिसऑर्डर हुआ और नहीं समझ में आ रहा है विद सिम्टम्स कि ये किस क्या हुआ है, तो यू कैन गो टिल उसके जीन तक. नाउ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एनिमल एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजायर क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन. जाहिर सी बात है, अगर आपके हाथ में मैंने जीन मैनिपुलेशन की एक पावर दे दी, तो आप अपना मनचाहा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो इन केस ऑफ प्लांट्स ऑल्सो एनिमल्स ऑल्सो. बट येस, इट शुड गो इन अ पॉजिटिव वे. प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, मतलब जो भी, मतलब इट इज़ ऑल बिकॉज कि हमें ह्यूमन वेलफेयर में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है. यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक्स. नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल टिश्यू कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन कमिंग स्लाइड्स. नाउ वॉट आर द बेनिफिट्स. अभी बायोटेक्नोलॉजी की मैंने बात की, सेल के बारे में पता है, जीन के बारे में पता है, और अब बायोटेक्नोलॉजी में आप उसको मैनिपुलेट भी कर पा रहे हो. सो वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्निक्स. सो येस, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेशन ऑफ क्रॉप लैंड एरिया. मतलब एग्रीकल्चर में तो सबसे अच्छी, मतलब हमारी फसलों का विकास, मतलब हमें बहुत ज़्यादा फसल मिल गई, तो हमें इससे क्या हो गया, नॉट ओनली हमारी वो जो खाने पीने की जो बोलते हैं ना आपूर्ति भी पूरी हुई, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हम इकोनॉमिकली भी ग्रो हुए. एक्सपेंसेस ऑन डिजीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज सिंस द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी. पहले दवाइयाँ, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जब तक नहीं आई थी पिक्चर में, पहले दवाइयों के लिए जो वैक्सीन्स या आई कैन से जो प्रोडक्ट्स ढूंढे जा रहे थे, मेडिसिन, देवर एक्सट्रैक्ट, मतलब उनको ट्रेडिशनली लिया जाता था, और इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाते थे, क्योंकि वो बहुत उनको ढूंढना, उनको मेडिसिन के रूप में लाने में बहुत पैसे खर्च होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे. बट विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बैक्टीरिया ये सब पिक्चर में आ चुका है, तो क्या हो गया कि ये बहुत सिंपल कर दिया गया, तो एक्सपेंसेस कम हो गए. ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वेराइटीज यील्ड पर एनिमल, तो बहुत ज़्यादा पर यील्ड, जो हमारी पर ईयर की जो सालाना है, वो भी इंक्रीज हो गई. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज विच कैन विदस्टैंड वेरिएबल टेम्परेचर, वाटर रेजिस्टेंट, चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ETC हैज़ बिकम पॉसिबल. नाउ अ डेज इफ यू विल गो ऑन गूगल, और आई कैन से दिस न्यूज़ आर गोइंग, द न्यूज़ इज गोइंग ऑन योर TV ऑल्सो, कि लेह में जो चीन और ये अपने इंडिया का जो बॉर्डर है, तो सैनिकों को जो खाना पहुंचाया जा रहा है, इट इज़ ऑल, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं वो ज़रा आप जाके गूगल आउट पर देखो, या तो इट इज़ अवेलेबल ऑन मैनी न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखा रहे हैं. सो दे आर यूजिंग, मतलब वो ऐसे जहाँ पे टेम्परेचर, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बर्फ़बारी मतलब टेम्परेचर माइनस में जाता है, वहाँ पे भी दे आर ग्रोइंग वाटरमेलन, कैरेट, कोरिएंडर एंड आई कैन से पुदीना, और ये सब अलग अलग वेराइटी की सब्जियों को वो उगा पा रहे हैं. और ऐसे -40, मतलब ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे वो एक्चुअली कई वेजिटेबल्स की, तो मतलब वो इन्वायरमेंट उनकी ग्रोथ को सपोर्ट भी नहीं करेगा, बट वहाँ पे भी इसको ग्रो कर पा रहे हैं
जस्ट बिकॉज ऑफ दी बायोटेक्नोलॉजी. एंड येस, उन्होंने कैसे, मैंने बोला कि इस बायोटेक्नोलॉजी को ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किया, मतलब पॉजिटिव वे में यूज़ किया, तो सैनिकों को, हमारे सोल्जर्स को खाना पहुँच सके टाइम पे, उनको जो खाना मिले वो प्रॉप फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो. तो इसीलिए सो ये जो एक्चुअली इट इज़ ग्रोइंग, आई शुड से दैट ऑल्सो, DRDO में वहाँ पे वो सब्जियों को ग्रो किया जा रहा है. एंड येस, ऑल क्रेडिट गोज टू द बायोटेक्नोलॉजी. एंड येस, दे हैव यूज द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कैसे उस प्लांट को बर्फ जब गिरेगी तो कैसे उस सब्जियों को, वेजिटेबल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिस यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर टूडे. नाउ so these are the commercial application of biotechnology. let's understand each picture. ये animal husbandry में use होगा. animal husbandry में जैसे दूध बढ़ान दूध की दूध देने की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा. फिर यहाँ पे टिश्यू कल्चर यूज़ किया गया है. फिर यहाँ पे ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए. यहाँ पे हम जीन लेवल पे पहुँच गए. मतलब ये पूरी जो स्लाइड है वो कवर करती है बायोटेक्नोलॉजी की. फिर यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए, जीन लेवल पे, कि भाई अगर किसी सिम्टम्स जो कई डिजीज ऐसे होते जिनके सिम्टम्स नहीं दिखते, तो उस लेवल पे, जीन लेवल पर भी हम जाके बात कर सकते. एंड येस, जीन को चेंज भी कर सकते हैं, जीन को मैनिपुलेशन कर सकते हैं. विद दिस पिक्चर यू कैन सी, इसको बोलते हैं जीन थेरेपी. एंड एट द एंड, दिस मिडल वन पिक्चर, आई कैन से आपका जो वैक्सीन जो प्रोडक्शन चालू होता है वो भी एक लैब बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड है. एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक यू कैन ऑल अंडरस्टैंड वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वन वैक्सीन. वी ऑल आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन फॉर COVID-19. तो वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रोल है. बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा, पहले अभी फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेंडेमिक ओनली, पहले हमने कोविड का पूरा स्ट्रक्चर देखा कि उसके पास ऐसा क्या है. एंड देन उसके अगेंस्ट वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग वैक्सीन. सो दिस इज अबाउट द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज देयर इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी. क्रॉप में क्या किया, उनको एक बहुत अच्छी पैदावार करने के लिए उनमें भी चेंजेस लाए गए. लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल है उसमें हाइब्रिड सीड्स. जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स. हाइब्रिड मतलब दो जीन. अभी कुछ प्लांट्स, कुछ फल को ऐसे भी बायोटेक्नोलॉजी के को यूज़ करके किया गया कि सीडलेस हो, वो फ्रूट सीडलेस हो. क्योंकि नॉर्मली कभी कभार सीड्स को फेंक दिया जाता है ना, दे डोंट यू, तो कभी कभार कुछ फ्रूट्स को ऐसा भी बनाया है कि सीडलेस हो. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो फलों की, मतलब जब दो क्वालिटी अलग अलग चीज़ों को की क्वालिटी को एक साथ मिक्स कर दिया तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. तो जीन ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकॉम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर फ्रूट्स एज आई सेड. नाउ कमिंग टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. Crops develop with desired characteristic by integrating foreign gene with their genome and they are called as genetically modified. Now, for example, let's take the example of this these vegetables. ये red color के दिखते हैं, इनका shape round है या wrinkle, जो भी था, याद करो ये सब क्या था, ये सब कैरेक्टर्स थे, ये सब जीन के कारण था. याद करो मेंडल का एक्सपेरिमेंट. तो अगर मैंने जीन में चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनके जो फिनोटाइप, जो बाहर का कैरेक्टर, वो भी चेंज हो जाएगा अपने आप. फिनोटाइप भी चेंज कर दूंगी, मतलब जीनोटाइप चेंज किया, मतलब जीन में मैनिपुलेशन किया, तो अपीयरेंस भी चेंज कर सकती हूँ मैं, मतलब मेरे पास पावर हो जाएगा. और येस, एट द सेम टाइम मैं उनको रेजिस्टेंट भी बना सकती हूँ किसी और चीज़ के लिए. तो अभी क्या करेंगे, अब मैं ये जीन में चेंजेस क्यों कर रही हूँ, हाई यील्डिंग वेराइटीज, मैं ऐसा जीन डालूंगी जिससे पैदावार मेरी इस सब्जी की, इस वेजिटेबल की ज़्यादा हो. मैं कुछ में ऐसे जीन डालूंगी कि भाई इनको, इन फसलों को कोई रोग ना हो आगे चल के, सो दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीज, ऐसा जीन उनमें इंट्रोड्यूस कर दूंगी. वीड एंड अदर, मतलब
स्ट्रेस मतलब वीड्स मतलब जो जो अलग अलग खेती में जो अनवांटेड प्लांट्स रहते उनकी भी पैदावार ना हो, उनका कोई असर ना हो, इंसेक्ट का कोई असर ना हो, तो उसके लिए भी मैं उनमें जीन इंट्रोड्यूस कर दूंगी। ये जीन जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ इट इज़ फॉर पॉजिटिव वे, इट इज़ नॉट फॉर एनीथिंग समथिंग आई कैन से नेगेटिव। बहुत पॉजिटिव कर रही हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को क्या समझोगे, क्रॉप जो है वो जो वेजिटेबल है उसमें कुछ ऐसी जीन को इंट्रोड्यूस करना ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाए फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, और यस उनकी ईल्ड बढ़ जाए मतलब पैदावार बढ़ जाए। तो दिस इज अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड दिस इज द वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नाउ अब एग्रीकल्चर में दूसरा जो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी उसमें हम लेंगे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन इट इज अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज बेसिलस थुरिंजिनेसिस। ये बैक्टीरिया के पास क्वालिटी क्या है, अभी लेट्स सी, अ जीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, मतलब मैंने वो बैक्टीरिया से वो जीन को निकाला एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन, उस बैक्टीरिया से वो जीन निकाल के इसको डाल दिया, इसमें डाल दिया। तो जैसे ही मैंने इसको डाल दिया इसमें, ड्यू टू दिस जो बेसिलस थुरिंजिनेसिस क्या है, अभी उसके पास वो जीन है तो अभी ये इसके पास हो गई ना, वो बैक्टीरिया के पास जो जीन थी बच्चों अभी इसके पास हो गई, तो नाउ दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू रिलीज अ सॉरी दिस कॉटन इज गोइंग टू रिलीज अ टॉक्सिन विच इज फैटल फॉर द बॉल वर्म वॉस बॉल वर्म। तो जो इस पे जो इंसेक्ट जो इस पे पैथोजन जो इस पे अटैक करने वाले थे वो अब नहीं कर पाएंगे। डोंट यू थिंक अब मैंने यील्ड बढ़ा दी कॉटन की, हाँ। इफ बॉल वर्म फीड्स ऑन द लीव्स द टॉक्सिन डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंट्री कनाई एंड बॉल वर्म डाइस। अगर गलती से भी आकर बॉल वर्म ने इसको इसकी पत्तियों को कंज्यूम कर लिया, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें बीटी की बेसिलस थुरिंजिनेसिस की क्या है, जीन है जो टॉक्सिन्स रिलीज करने वाली है, तो वो जैसे ही रिलीज कर देगी तो जो भी पैथोजन आके बॉलवर्म आके उसके ऊपर जो भी इंसेक्ट आके उसको अटैक करेगा और खाने की कोशिश करेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन द सेम बात एक है बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल अभी ये ऐसा सब क्यों करे सोचा होगा, क्योंकि यील्ड बढ़ानी है और यस सब्जियों को एकदम रेजिस्टेंट मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है उनकी, कि भाई अभी उनको कोई अटैक नहीं कर सकता, आपको अच्छी ताज़ी और न्यूट्रिशन सब्जियां मिलेंगी। नाउ बीटी ब्रिंजल वेराइटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बेसिलस थुरिंजिनेसिस। द इम्प्रूव दिस इज अ इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट एट द सेम टाइम एज लाइक द बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल में क्या कॉमन है, बैक्टीरिया दैट इज बेसिलस थुरिंजिनेसिस, उसकी जीन को लेना है सब्जियों में डाल देना है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन में और ब्रिंजल में, तो आगे चलकर जैसे ही कोई अटैक हुआ तो वो क्या होगा, वो जो कोई भी अगर उसको इंसेक्ट अटैक करेगा तो वो ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज कर देंगे जो अल्टीमेटली उस इंसेक्ट को किल कर देंगे, और आपका जो ब्रिंजल है और आपका बीटी कॉटन है इट विल हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी। नाउ अनदर एग्जांपल इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या है, सी द डिफरेंस, ये आपका नॉर्मल राइस है, दिस इज अ गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए दैट इज बीटा कैरोटीन। अ जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए इज हैज बीन आइसोलेटेड एंड इट हैज बीन उसको आइसोलेट किया विटामिन ए जो बनाएगा एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस, मतलब उसकी जीन को निकाल के यहाँ पे डाल दिया गया। तो जैसे ही डाल दिया तो जो राइस अब जो प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा, विटामिन ए होगा। एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेराइटी, दिस वेराइटी विच हैज बीन डेवलप्ड इन 2005 contains 23 times more amount of beta carotene. For example, अभी कई देशों में जहाँ पे चावल ही एक स्टेपल फूड, मतलब वहाँ पे विटामिन्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है कि अलग से खा पाए, तो अगर ऐसा आइडिया ऐसा कुछ रहा और स्टेपल फूड ही यही है चावल, तो उन जो जिस एरिया में होगा वहाँ के सिटीजन्स को वहाँ के पॉपुलेशन को पूरा ये विटामिन ए की भी
भरपूर मतलब पूर्ति हो जाएगी. एंड यस एज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द विटामिन्स टॉपिक इन योर सेकेंड चैप्टर, आपका आपको यू ऑलरेडी नो अबाउट विटामिन ए का रोल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस हमने इसको कहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, राइस में इंट्रोड्यूस कर दिया. नाउ राइस इज एबल टू गिव यू विटामिन ए, सो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एक इफेक्ट है, जो पॉजिटिव एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, और हेल्थ भी अच्छी मेंटेन होगी. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स. हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एन मेन क्रॉप. वीड्स वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है उसमें जो अनवांटेड प्लांट मटेरियल है उनके कारण हमेशा जो आपका जैसे गेहूं है चावल है उनके उनकी पैदावार को हमेशा इफेक्ट करते हैं. अब इसको रोकना था. इफ़ हर्बिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड इट इफेक्ट्स द मेन क्रॉप टू. अभी उनको काटने के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो जो आपकी मेन क्रॉप है उस पर भी इफेक्ट होता है. तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर बींग यूज. अब मैं क्या करूँगी, हर्बिसाइड्स मतलब मेरे प्लांट में ऐसी क्वालिटी आ जाएगी कि वीड को जब भी खराब मतलब वीड को जब भी हटक डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो मेरे प्लांट्स पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स. समझा नहीं समझा, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. एक खेत है उसमें वीड्स भी ग्रो हो रही है, आपका प्लांट भी ग्रो हो रहा है. अगर ये वीड्स क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मतलब मेन क्रॉप को भी आपके इफेक्ट करने अफेक्ट करने वाले हैं. आपको क्या करना है, ये वीड्स को निकालना है और आप यूज़ करने वाले हो हर्बिसाइड्स. पर हर्बिसाइड बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि वीड्स को निकालना है डिस्ट्रॉय करना है कि मेन क्रॉप को, तो इसमें आपका मेन क्रॉप का भी घाटा होने वाला है. तो मैंने क्या किया, मेन क्रॉप में एक ऐसे जीन इंसर्ट कर दी जो हर्बिसाइड है. तो अब हर्बिसाइड का जब भी यूज होगा तो सिर्फ वीड्स ही डिस्ट्रॉय होंगे, हर्बिसाइड प्लांट्स जो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स हैं वो नहीं. तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एंड नाउ दिस इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ड्यू टू द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फोट सोल्युबलाइजेशन एबिलिटीज ऑफ प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड. आपने लास्ट ईयर अभी आपने जब भी नाइन्थ में यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स किया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में देखा ये राइजोबियम, तो आपसे अभी आप इसके बारे में अवेयर हो ऑलरेडी. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलग उसके दुष्प्रभाव हैं, उसके अलग डिसएडवांटेज हैं. बट वेन यू गो फॉर अ बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर से क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ा. Mainly the bacteria Rhizobium, Azotobacter, Nostrac, Anabina and plants like Azolla are used as the biofertilizer. So, organic farming का जो एक बहुत आप सुन रहे हो, organic farming में biofertilizers use होते हैं instead of chemical fertilizer. So, this is the application of a biotechnology in crop, मतलब agriculture में कैसे इनको अभी डाला गया. Let's understand what are the another applications of biotechnology, that is animal husbandry. Animal husbandry में क्या होता है कि जो ये आपके काउ बफेलो इनकी दूध देने की जो कैपेबिलिटी उनको भी बढ़ाते हैं. आपको मतलब मिल्क अच्छा मिले, आपको एग अच्छा मिले, आपको मीट अच्छा मिले, वूल अच्छे मिले, तो एनिमल्स पे जो प्रयोग होने वाले हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. टू मेन मेथड्स एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब एक अच्छी ब्रीड का सीमेन मैं कलेक्ट करूँगी, आई विल इंट्रोड्यूस इन अ फीमेल एंड जो उससे जो बेबी आएगा वो उसके पास सेम क्वालिटी होगी एज दी वो जो ओरिजिनल ब्रीड थी सीमेन जहाँ से मैंने कलेक्ट किया था. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करूँगी एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर आर यूज इन एनिमल हस्बेंड्री सो दैट बहुत उसकी एक अच्छी क्या बढ़े डेवलपमेंट हो दूध की. जैसे फॉर एग्जांपल सम काउ एंड बफेलो आर दे एक्चुअली फेमस फॉर गिविंग अ ज़्यादा दूध की दूध देते हैं. तो ऐसे पूरे एक
ग्रुप का मैं ग्रुप में से एक लूंगी और उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दूंगी, और जो उससे आएगा, जो उससे आगे की जर्नी आएगी उसके द्वारा वो क्या होगी, वो यूजफुल होगी मेरे एनिमल हस्बेंड्री में. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव बोथ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स. मतलब क्वांटिटी भी ज़्यादा आएगी और क्वालिटी भी अच्छी आएगी. एग्जाम्पल मिल्क मीट एग एंड वूल. Now, similarly, animals will more strength have been developed for hard work in is used in agriculture field to improved variety. मतलब एक बहुत अच्छा, तो एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. और इंसेमिनेशन तो एक वर्ड मैंने बोला, उसमें क्या होगा, अगेन उसमें भी वही है, अच्छी ब्रीड का स्पर्म सीमेन कलेक्ट करो, उससे आगे की जर्नी बढ़ाओ. मतलब ब्रीडिंग जो आगे होगी उसी इन अच्छे सीमेन को यूज़ करके होगी एक अच्छा, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा. सो दिस इज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज इन एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन human health. So till that time you have to revise about the biotechnology ka application. Thank you.